सिर्फ पिकनिक मनाने गए थे या फिर कुछ और बजे? देखिए, पिकनिक मनाने का कोई सरकार की मंशा नहीं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी जनता और पूरे अधिकारियों में एक भ्रम की स्थिति बीजेपी द्वारा पैदा करवाई गई, उस भ्रम की स्थिति से हम डरने वाले नहीं है, ये बताने गए थे। अच्छा। और उसका फलाफल ये निकला कि हम संख्या में और हम अपने नेता के एकजुट ताकत के साथ, अपने विधायकों की एकजुट ताकत के साथ सरकार में अभी भी हैं और आगे भी रहने का काम करेंगे। किसने बोला आपको? दुबे जी बोल रहे हैं सर। कौन? निशिकांत दुबे जी। कौन है ये दुबे जी? निशिकांत दुबे सांसद है, कोटा में बोल रहे हैं। अच्छा, उनकी बातों को मैं सीरियसली नहीं लेता। नहीं, अगर आप भ्रम दूर कर, आप अगर आप सवाल पूछिएगा तो मैं बताइए, आप आपने 33 देखा है क्या? उनका कहना नहीं, आप पत्रकार हैं कि वो पत्रकार हैं। हमारा सवाल ये है, आप अपना सवाल पूछिए ना, आप निशिकांत दुबे का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सवाल है सर, संख्या पूरा है। हाँ, संख्या पूरा है। और वोट संख्या पूरा, एक मिनट, संख्या पूरा आपको नहीं समझ में आ रहा है? 18 कांग्रेस के, 30 जेएमएम के, एक निर्दलीय, तो संख्या पूरा नहीं दिखाई दे रहा तो नहीं भैया। 10th में बीजेपी मेरे पे आरोप लगाती है फेल होने का, आपको तो मैं अच्छे से आता होगा। विधायकों को तो हटाया जा रहा है पार्टी से, कैसे जोड़ रहे हैं आप लोग? आराम, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग, हमारे प्रभारी आए हैं, प्रभारी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी प्रभारी जी से मिलेंगे, दोनों पार्टियों की अलग अलग एक अपनी कार्यशैली है काम करने की, उस कार्यशैली के तहत दोनों गठबंधन एक साथ बैठकर निर्णय लेगा, जो भी आलाकमान लोग निर्णय लेंगे, चाहे वो हेमंत सोरेन जी हों चाहे अविनाश पांडे जी हों, हम लोग काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का क्या मतलब? क्या चीज? छत्तीसगढ़ तो 2 बजे रात में अमरकांत जी ने निकाली दिया था। जाएंगे कि नहीं? हां जाएंगे कि नहीं? मैं तो बोल रहा हूं ना, हम लोग यही है। आज भी छत्तीसगढ़ भेज दिया था निशिकांत दुबे जी ने, कांग्रेस की, आज भी निशिकांत दुबे जी ने मुख्यमंत्री के नाम पे, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन है, आगे भी रहेंगे। सिर्फ पिकनिक मनाने गए थे या फिर कुछ और बजे? देखिए, पिकनिक मनाने का कोई सरकार की मंशा नहीं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी जनता और पूरे अधिकारियों में एक भ्रम की स्थिति बीजेपी द्वारा पैदा करवाई गई, उस भ्रम की स्थिति से हम डरने वाले नहीं है, ये बताने गए थे। और उसका फलाफल ये निकला कि हम संख्या में और हम अपने नेता के एकजुट ताकत के साथ, अपने विधायकों की एकजुट ताकत के साथ सरकार में अभी भी हैं और आगे भी रहने का काम करेंगे।